हमारा दोस्त आ गया है। हाय बेबी, अस्सलाम वालेकुम माय डियर भाई। घर से बताए थे तुम लोग, यार दो घर पहले घुस गया वो अंकल, तौलिया में बाहर निकले थे। नहीं अंकल जो थे वो शेफ महबूब है, दो घर पहले भी तू तौलिया से नजर गई होगी कहीं और तो बैठा। लेकिन ये आज ही सर, प्लीज आइए। एक मिनट, एक सवाल मैं पूछूंगा, किस उम्र में तुम्हें पता चला कि सिंधी में मानी रोटी को कहते हैं? अबे हर दिन जब से मैं लगा हूं, हर बंदा यही जोक मार रहा है। खास कर जब हैदराबाद यहां लड़का ना इस तरफ जाना, तो ये वाली बात तो जरूर आती है। क्या मानी? मानी को जो है सिंधी में रोटी कहते हैं। अच्छा, किस भाई पूछो, किस चीज पता चला? बचपन से पता लग गया। चल अब बैठ सकते हैं। और चलता रहेगा, हमारा चलता रहता है। मुश्किल काम है मियां बीवी साथ बैठ के काम करें। हमने ये काम किया है और उसके बाद मैंने दादा कि बहुत मुश्किल है, एक साथ नहीं कर सकते। आपका क्या होता था जब? मेरा होता ना, हीरा को सिखा रहा था कि यूं नहीं यूं करो, तो हीरा कहती अच्छा सही है। कौन ज्यादा चला के, मानी या हीरा? भंड मारने के बाद हम दोनों चलाक हो जाते हैं। ज्यादा भंड कौन मारता, तुम या वो? मेरी वैसे हीरा भंड मारती है और हीरा की वजह से मैं भंड मारता हूँ। समझदार कौन है? मैनेज कर लेते हैं बाद में, 24 घंटे गुजरे हैं, 48 घंटे गुजरे हैं और फिर सब ठंडा हो जाए, कुछ बोलना नहीं है। अगर अगर तराजू लेके तोला जाए तो हेरा हेरा सोशल मीडिया पर हेरा ज्यादा समझदार है। हाँ, मुझे इतना अकल नहीं है अभी। हाँ। लेकिन उसकी वजह से मैं बहुत रुक गया हूँ, बेसिकली मेरी जबान रुक गई है। बस हाँ। ताला पर तुम इंटरव्यूज में तुम उसको समझा के भेजते हो। अब मैं कंट्रोल रखना है। अब मैंने बोला हां, सारे भांडे फोड़े यहां पर, बोला तुम इनके पास जा रही हो, ऐसा भंड नहीं मारना जो वायरल हो जाए, मीम बन जाए, उनकी बातें निकलवाना, उनकी बातें निकलवाना उनको वायरल करो। लेकिन यार अच्छा, ये कभी हुआ है कि तुमने, वैसे मानी बड़ा टैलेंटेड है, इसने होस्टिंग भी की, ये एक्टिंग भी बड़ी जबरदस्त, अभी स्क्रिप्ट भी लिख के दिया है और प्रोड्यूसर भी है भाभी, ये बड़ी बात है। लेकिन मानी तुम बताते नहीं हो लोगों को कि यार तुम सबसे प्रोड्यूसर अच्छा मानी इंसान है। मानी ये बताओ कि यार आप लाइफ में पहली बच्ची कब सेट की तुमने? हाँ, लाइफ में पहली बच्ची कब सेट हुई और कैसे सेट हुई? यार टीवी में आने से पहले कुछ टीवी की लड़कियां थी जो मशहूर हो गई, वो सुपर स्टार बन गई, वो भी आती थी मोहल्ले में, तो दो तीन तो बड़ी मशहूर है बेसिकली, तो मशहूर है। हाँ, जो बोल रहे हमारे गाँव में। नहीं, हम उनको पता चल जाएगा, हीरा को नहीं पता ना, वो बोल देगी, हीरा को पता लग जाता है बेसिकली। हीरा को पता लग जाता है, मेरी कोई पुरानी दोस्त हो तो हीरा ने मुझे एक दिन मिली, कहती है तुम फलां को जानते हो? मैंने कहा हाँ। अब मैं अजीब घबरा गया, पसीने वसीने आते नहीं हो रहे। अच्छा, मैंने तुम्हें कह सकते हो, हीरा की सेंस बहुत तेज है इस मामले में, पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया थी तुम्हें, वो उससे कुछ बात ऐसी की कि मैंने पकड़ लिया दो मिनट में। यार पहले से सेटिंग चल रही मेरी मियां की, ये तो हमारे साथ ही होते थे ना। हाँ, और आप भी हमारे साथ ही होते थे थोड़े से। मैं कम तो ही था साथ था। हाँ, सही है। वो ज्यादा आपको तो ज्यादा पता होगा मेरे बारे में। मैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं अपने नहीं, क्योंकि हम एक ही ड्रामे से तकरीबन मशहूर हुए, सब सेटे से हम आगे पीछे एक साथ ही आए हैं बेसिकली, शायद चिपकू और बॉबी। पहले डेट याद नहीं है? पहली लड़की की डेट मुझे याद है, मेरे दोस्त की, क्या नाम है, वो गर्लफ्रेंड थी और हम वहाँ गए थे किंग एंड क्वीन पिज्जा पे। दोस्त की गर्लफ्रेंड थी वो तुमसे? अच्छा, वो होता ये था कि उम्मीद के साथ गए थे, उससे पहले हम कॉलेज में जाते थे आ खान की, क्या नाम है, उसमें बैठ जाते थे वो कैफेटेरिया में, और इस चक्कर वो नहीं होते वो जो तकिए होते हैं, दोस्त उसकी उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथ एक लड़की आती थी, तो उस चक्कर में क्या वो लड़की कौन आएगी, हमेशा कोई अजीबो गरीब आएगी भाषा में, बैठ के कोने में बैठ गए, वो भी कहती होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल कह सकती है, जो जो अगर आप मेरी पुरानी तस्वीरें लगाएं, आप बेशक इसके पीछे ये पेंसिल जैसा बच्चा कौन आ गया, पेंसिल से भी कम, छिली हुई पेंसिल।